हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक। सो प्लीज ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक इन सम एक्सरसाइज बिकॉज आपकी फर्स्ट सेम की एग्जाम जल्दी आने वाली है, राइट? 20 तारीख से आपकी फर्स्ट सेम की एग्जाम स्टार्ट होगी, ठीक है? आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए हम इसे रिवीजन के तौर पर इसे रिपीट कर चुके हैं, ठीक है? रिपीट करते हैं। ये आई नो कि ये सारी एक्सरसाइज हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है, आपने भी अपने वर्कबुक में फिलअप कर ली होगी, लेकिन अब आपकी फर्स्ट सेम की एग्जाम आने वाली है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू अ प्रैक्टिस ऑफ सम एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किए एक्शन वर्ड्स, राइट? क्योंकि वो आपके पेपर में अवेलेबल होगा, इसीलिए हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा है MCQs, राइट? यानी कि वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शंस एंड देन वी हैव टू राइट अ आंसर, राइट? इसे कहते हैं MCQs। तो यहाँ पर हम कुछ MCQs है उसे हम आज एज ए रिविजन के तौर पर लेंगे, क्योंकि MCQs आपके पेपर में अवेलेबल होंगे। तो आपको 1 to 5 चैप्टर के सारे MCQs को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, और फिर आपको अच्छे से याद भी रखना है। ओके, यू शुड रिमेंबर इट वेरी वेल। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट यूनिट 1, फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी कि स्कूल में मेरा पहला दिन। ऐसा कुछ पोएम हमने लर्न की थी, आई होप अब तक आपको याद आ गया होगा। राइट द करेक्ट ऑप्शंस A, B, C, or D इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें कुछ तीन यहाँ पर MCQs दिए गए हैं। आई वंडर इफ माई डेस्क विल बी एज गुड एज देयर। मेरी ड्राइंग उतनी मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी डेस्क उनकी तरह अच्छी होगी। तो क्या था जो छोटा बच्चा था वो क्या सोचता था? रीडिंग अच्छी होगी, सिंगिंग अच्छी होगी, ड्राइंग अच्छी होगी या राइटिंग? तो ड्राइंग अच्छी होगी। तो जो छोटा बच्चा था वो सोचता था आई वंडर इफ माई ड्राइंग, सही आंसर होगा ड्राइंग। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज दिस। क्या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी होगी? DRAWING, ड्राइंग यानी कि पेंटिंग, ठीक है? तो क्या मेरी पेंटिंग उन्हीं की तरह अच्छी होगी, यानी कि ड्राइंग? सही आंसर है ड्राइंग। नंबर 2 देखिए, आई वंडर इफ माई डेस्क विल लुक लाइक अ मॉम और ग्रैंड। क्या मेरी क्या है जो कि मॉम और ग्रैंड की तरह दिखती होगी? मैं सोचता हूँ, आई वंडर यानी कि मैं सोचता हूँ, क्या डेस्क मेरी मॉम या फिर दादी की तरह दिखती होगी? तो कौन उसकी मॉम या दादी की तरह दिखता होगा जिसमें वो छोटा बच्चा ऐसा सोचता है स्कूल जाने से पहले? और टीचर, क्या उसकी टीचर उसकी तरह होगी? यस, तो सही आंसर है टीचर। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट्स हियर। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक अ मॉम और ग्रैंड। फिर नंबर 3 है, आई वंडर इफ माई डेस्क विल वंडर वेयर आई एम। तो उसे क्या सोचा था कि उसका क्या है जो वो सोचता होगा कि वो कहाँ पर है, यानी कि वो लड़का कहाँ पर है, ऐसा कौन सोचता होगा घर पे बैठकर? तो क्या मॉम ऐसा सोचती होगी? नहीं, पपी, सही आंसर है पपी। आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम, यानी कि उसका जो छोटा कुत्ता के जो छोटा लड़का था उसके पास जो कुत्ते का छोटा बच्चा था उसे बोलते हैं पपी, यानी कि वो सोचता था कि अगर मैं स्कूल पर जाता हूँ तो क्या मेरा पपी यही सोचेगा कि मैं कहाँ पर हूँ? तो इसीलिए सही आंसर होगा पपी, PUPPY, पपी। टीचर का स्पेल होता है TESCHER, यू शुड रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट है हल्दी से एडवेंचर। जो हल्दी नाम की जो लड़की होती है वो स्कूल पर जाती है और कुछ रोमांच अनुभव करती है, राइट? वो फील करती है, देखते हैं। उसके हमारे पास MCQs है, हल्दी वॉज गोइंग टू, हल्दी कहाँ जा रही थी? सो राइट आंसर इज स्कूल, SCHOOL, स्कूल, यानी कि हल्दी स्कूल जा रही थी। हल्दी मेट, तो रास्ते में वो किससे मिली थी? हल्दी नाम की जो लड़की थी वो रास्ते में किससे मिली थी? हॉर्स से, एक घोड़े से, अ काउ, एक गाय से, एन एलिफेंट, क्या वो एक हाथी से मिली थी, या फिर अ जिराफ? तो हमारा सही आंसर होगा अ जिराफ, A G I R A
डबल एफ ई अ जिराफ, जी आई आर ए डबल एफ ई अ जिराफ, यानी कि वो रास्ते में हल्दी जिराफ से मिली थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फिर है व्हाट डिड द जिराफ वेयर, सॉरी माय बैड, यहाँ पर होगा ए, सही ऑप्शन था ए जिराफ, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर, इट मीन्स डी। व्हाट डिड द जिराफ वेयर, यानी कि जिराफ ने क्या पहना हुआ था। वेयर का मतलब होता है पहनना, W E A R, वेयर यानी कि क्या पहना हुआ था। जब हल्दी जिराफ से मिली तब जिराफ ने क्या पहना था। सो वी हैव एन ऑप्शन, ए रिंग, एक रिंग पहनी थी जिराफ ने। बी ग्लासेस, क्या उसने एक चश्मा पहना हुआ था। सो यस, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यस बी, क्या था, ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लासेस यानी कि स्पेक्टल्स, चश्मे। ठीक है, नंबर फोर, व्हाट डिड द जिराफ हैव इन हिज हैंड, जब हल्दी जिराफ से मिली थी तो जिराफ के हाथों में क्या था। हैव इन हिज हैंड, इन हिज हैंड यानी कि उसके हाथों में, जिराफ के हाथ में। लेट्स सी द ऑप्शंस, ऑप्शन ए बैग, ऑप्शन ए है बैग, ऑप्शन बी है पेन, ऑप्शन सी है बुक, या ऑप्शन डी है टॉय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुक, बी डबल ओ के, कि उसके हाथ में एक किताब थी, इट मीन्स बुक। ठीक है, फिर हमारे पास है नंबर फाइव, द जिराफ्स नेम वॉज, जिराफ का नाम क्या था। सो वी हैव एन ऑप्शन, ऑप्शन ए स्माइल, ऑप्शन बी स्माइल्स, ऑप्शन सी स्माइलिंग, या ऑप्शन डी स्माइली। सो द राइट आंसर इज स्माइली, एस एम आई एल ई वाई, स्माइली, ऑप्शन डी। वी हैव राइट हियर ऑप्शन डी। फिर है हल्दी वेंट टू स्कूल, हल्दी जब स्कूल जा, हल्दी स्कूल जा रही थी, लेकिन वो हल्दी थी वो किस तरह से स्कूल जा रही थी, वॉकिंग, वो क्या वो चल के स्कूल जा रही थी। ऑप्शन बी ऑन द जिराफ्स बैक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑन द जिराफ्स बैक, ऑन द जिराफ, जी आई डबल आर ए एफ ई एपोस्ट्रॉफी एस बी ए सी टी, यानी कि जिराफ की पीठ पर बैठकर वो स्कूल पर गई, जिराफ की पीठ पर बैठकर वो स्कूल गई थी। ओके गॉट इट। तो ऐसे ही आपके सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। यूनिट टू में देखते हैं, आई एम अ लकी, यूनिट टू का हमारा लेसन था आई एम अ लकी, ये वाला। सो कम टू द पेज नंबर 90, 1 and 9 इज कॉल्ड 90। एमए है उसमें है राइट द करेक्ट ऑप्शंस ए बी सी और डी इन द बॉक्स, वी हैव सम एमसीक्यूज, वी हैव अ सिक्स एमसीक्यूज। फर्स्ट है द बटरफ्लाई इज थैंकफुल फॉर इट्स विंग्स, सही आंसर होगा विंग्स, क्योंकि बटरफ्लाई थैंकफुल था अपने सुंदर पंखों के लिए। बटरफ्लाई के पास जो कलरफुल पंख होते हैं ना, उसके लिए वो शुक्रिया अदा था, तो उसे कहते हैं विंग्स, सही आंसर होगा विंग्स, डब्ल्यू आई एन जी एस, ऑप्शन डी। नंबर टू है द डेस्क इज थैंकफुल बिकॉज इट कैन सिंग, हु कैन सिंग वेरी वेल एंड वेरी स्वीट, सो राइट आंसर इज मैना, ऑप्शन ए। सो वी हैव टू राइट हियर मैना, एम वाई एन ए, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैना। जो मैना है वो थैंकफुल थी उसकी खूबसूरत सुंदर सी आवाज़ के लिए कि वो अच्छा गा सकती है, इसीलिए मैना थैंकफुल थी। नंबर थ्री है थफीस कैन ब्रिगल, यानी कि बस बड़ी सहलाई से आसानी से पानी में अपनी पंखों की वजह से सहलाई से तैर सकती है, बराबर, बड़ी आसानी से वो तैर सकती है, उसे कहते हैं ब्रिगल, द फीस कैन ब्रिगल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रिगल, डब्ल्यू आर आई डबल जी एल ई, ब्रिगल का स्पेल होता है डब्ल्यू आर आई डबल जी एल ई, ठीक है, यानी कि पानी में बड़ी आसानी से तैरना। नंबर फोर द एलिफेंट कैन रेज इट्स, तो एलिफेंट जो होता है वो अपना क्या ऊपर लेके जा सकता है, ट्रंक यानी कि सूंड, उसे बोलते हैं ट्रंक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रंक, टी आर यू एन के, ट्रंक याद रखिएगा उसका स्पेलिंग यही होता है, ट्रंक यानी कि सूंड, टी आर यू एन के। द
एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक, यानी कि एलिफेंट अपनी सूंड को ऊपर ले जा सकता है। द डेस्क वुड हॉप अप टू द मून, वो मून तक उछल सकता है, ऐसा कौन सोच रहा था? द कैंगारू, द कैंगारू, के ए एन, सो राइट आंसर इज कैंगारू, के एन जी ए आर डबल ओ। कैंगारू जो है उसका उसका जंप इतना बड़ा होता है कि वो मून तक जा सकता है, ऐसा उसे लगता था, राइट? सो सही आंसर, सो राइट आंसर इज कैंगारू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द ऑक्टोपस हैज एट, तो ऑक्टोपस के पास क्या आठ होता है? आर्म्स, यानी कि बाजू, ए आर एम एस, ऑक्टोपस के पास आठ बाजू होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, एट आर्म्स, द ऑक्टोपस हैज एट आर्म्स, ओके, सो लर्न इट वेरी वेल। नेक्स्ट है द लिटिल मंकी, राइट, आई वॉन्ट, ऐसी कुछ स्टोरी थी जिसमें लिटिल मंकी होता है, उसकी कई सारी इच्छा होती है जो कि एक परी होती है उसे पूरी करती है, तो उसमें हमने 7 MCQs को लर्न किया था, ओके। सो द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी, तो सही आंसर होगा बिग एंड स्ट्रॉन्ग। द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो छोटा बंदर था वो क्या बनना चाहता था? बड़ा और मजबूत, बड़ा या ताकतवर, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, मजबूत बिग यानी कि बड़ा। सो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सो इट इज़ द राइट आंसर ऑप्शन सी, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो छोटा मंकी था वो बड़ा और मजबूत बनना चाहता था। नंबर टू देखिए, अ डेस्क हियर्स हिम, यानी कि किसने उस मंकी की बातों को सुना था? सो राइट ऑप्शन इज बी, अ वाइज वुमन, बी है अ वाइज वुमन, डब्ल्यू आई एस ई डब्ल्यू ओ एम ए एन, अ वाइज वुमन, ओके, हियर्स हिम, वाइज वुमन ने उसकी सारी बात, यानी कि चतुर स्त्री, वाइज यानी कि चतुर, वुमन यानी कि स्त्री, एक चतुर स्त्री ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अ वाइज वुमन गिव्स हिम, तो वो चतुर स्त्री थी जिसने उसकी सारी, मंकी की सारी बात सुनी थी, उसने मंकी को क्या दिया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैजिक वॉन्ट, ऑप्शन ए अ मैजिक वॉन्ट, मैजिक वॉन्ट, राइट, तो सही आंसर होगा एक जादुई छड़ी, यानी कि वाइज वुमन ने उसे एक जादुई छड़ी दी थी। द डेस्क स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, तो किसने अपनी लंबी नेक को खींचा था? सो राइट आंसर इज जिराफ, ऑप्शन बी, जी आई डबल आर ए एफ ई, जिराफ, सॉरी, जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, द एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, एलिफेंट ने अपने सूंडों में क्या भरा था? पानी, सॉरी, अब पानी किस में भरा था? अपनी ट्रंक में, तो सही आंसर होगा ट्रंक, ऑप्शन सी, ट्रंक, टी आर यू एन के, ट्रंक, सही आंसर होगा ट्रंक। फिर है द ज़ेब्रा हैज अ डैश ऑन हिज बॉडी, तो ज़ेब्रा के पास क्या था? जो मंकी जाता था, स्ट्राइप्स यानी कि धारदार पट्टियां, उसे बोलते हैं स्ट्राइप्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्ट्राइप्स, एस टी आर आई पी ई एस, स्ट्राइप्स। नंबर 7, द लिटिल मंकी सीज अ डैश इन द रिवर, तो सही आंसर क्या होगा? मॉन्स्टर, लिटिल मंकी ने नदी में क्या देखा था? अ मॉन्स्टर, यानी कि एक राक्षस को, आपने स्टोरी में लर्न किया होगा, हमने स्टोरी सुनी थी कि उसने बाकी सारे एनिमल्स के कितने सारे पार्ट को अप्लाई किया था अपनी बॉडी पर, राइट, जादुई छड़ी से उसने अपनी सूंड बना ली थी, लंबी एक गर्दन बना ली थी, लंबी नेक उसने मांगी थी,
फिर अपने पूरे शरीर पर उसने स्ट्राइप्स मांगे थे, तो वो कुछ फिर वो अपनी नदी में जाकर अपना मुंह देखता है, राइट। तो उसे क्या दिखाई देता है? अ मॉन्स्टर, यानी कि एक राक्षस। ओके, तो यहाँ पर हम लेसन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल। ओके, देन बाय। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, देन बाय, हैव अ नाइस डे।